अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों को देखते हुए भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अफगानिस्तान में कंधार मिशन को बंद कर दिया है, तो वहीं बिगड़ते हालातों को देखते हुए राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने बिगड़ते हालातों को देखते हुए 50 राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को भारतीय एयरफोर्स की मदद से वापस वतन लाया गया है। फिलहाल सरकार ने अस्थायी तौर पर कंधार में अपने राजनयिक मिशन को बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारतीय कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, यह कहते हुए कि युद्धग्रस्त देश में वाणिज्य दूतावास को बंद नहीं किया गया है, अस्थायी तौर पर बंद है। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत अफगानिस्तान में विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। हमारे कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। कंधार में भारत के महावाणिज्य दूतावास को बंद नहीं किया गया है। हालांकि कंधार शहर के पास भीषण लड़ाई के कारण लोगों को कुछ समय के लिए वापस लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। सेना के महाबलशाली होने पर दुनिया को खतर। चीन अपने सैनिक को सुपर ह्यूमन बनाना चाहता है। इस दिशा में ये देश BGI कंपनी के साथ मिलकर जीन में बदलाव करने के लिए सैनिकों पर रिसर्च कर रहा है। इसके लिए 52 देशों की 80 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। मीडिया में आए इस रिपोर्ट पर अमेरिकी प्रशासन ने चिंता जताई है। यूके स्थित समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 7 जुलाई को बताया कि BGI ग्रुप ने ब्रेन सर्जरी से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात हान सैनिकों की रक्षा के लिए जीन और दवाओं के बीच संबंधों पर अध्ययन प्रकाशित किया है। बाइडेन प्रशासन के सलाहकारों ने मार्च में चेतावनी देते हुए कहा था कि चीनी कंपनी BGI ग्रुप महिलाओं के जीनोमिक डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अध्ययन कर रहा है। चीन इससे आर्थिक और सैन्य लाभ हासिल कर सकता है। चीन का जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, उसका प्रयोग चीनी सैनिकों पर किया जा रहा है, खासकर उन सैनिकों पर जो भारतीय सीमा पर तैनात हैं। DNA डेटा विश्लेषण के आधार पर चीनी सेना और BGI ग्रुप सैनिकों के जीन में बदलाव कर रहा है। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से सुरक्षित किया जा सके। यह प्रयोग अगर सफल होता है तो चीनी सैनिकों को ज्यादा ऊंचाई वाले मोर्चों पर बीमारी और सुनने की क्षमता में कमी जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो यह भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब उसकी सेना सुपर ह्यूमन यानी महाबलशाली हो जाएंगे तो उस पर काबू पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। फिलिस्तीन ने इजराइल पर गाजा पट्टी में नाकाबंदी को मजबूत करके मिस्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम को स्थिर करने के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को एक बयान में फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा लोग इजराइल की अंतहीन नाकेबंदी के कारण भारी कीमत चुका रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बयान में कहा गया है, इजराइल की नाकाबंदी ने फिलिस्तीनी नागरिकों के जीवन को तबाह कर दिया है। इजराइल की देरी जबरन वसूली के दबाव में प्रदान की जाने वाली बुनियादी सेवाओं के स्तर में गिरावट आई है। इजराइल ने हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादी समूहों के साथ 11 दिवसीय लड़ाई के दौरान नाकाबंदी को कड़ा कर दिया, जो 21 मई को समाप्त हो गया। इस दौरान 250 से अधिक फिलिस्तीनियों, 13 इजरायलियों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार।